हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड की रफ्तार आज थम सी गई है। पूरा का पूरा बॉलीवुड गमगीन है। कोई सुषमा स्वराज के नहीं रहने की खबर को मानने को तैयार ही नहीं है। बॉलीवुड में फंसे सन्नाटे के बीच फिल्म निर्देशक, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, सिंगर सब नमकीन आंखों से गमगीन माहौल में उन्हें अपने शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल और मैं हूँ नेहा आनंद। सुषमा स्वराज के निधन से न केवल राजनीति से जुड़े लोगों को सदमा पड़ा बल्कि पूरा बॉलीवुड भी इस खबर से भावुक उठा। बॉलीवुड के कई सितारों ने ट्विटर के जरिए शोक जाहिर किया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर तक सब सदमे में हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने उनके निधन पर अफसोस जताते हुए ट्वीट किया, एक अत्यंत दुखद समाचार। एक बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ, एक मिलनसार व्यक्ति, एक अद्भुत प्रवक्ता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बोमन ईरानी ने लिखा, उनके असमय निधन की खबर सुन बेहद दुख हुआ, यह पूरे देश के लिए एक क्षति है। वहीं रितेश देशमुख ने लिखा, भारत के लिए एक बड़ा नुकसान, लाजवाब वक्ता, देशभक्त, एक महान नेता सुषमा स्वराज नहीं रही। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा, सुषमा जी आप इतनी जल्दी क्यों चली गईं। अभिनेता संजय दत्त ने लिखते हैं, सुषमा जी की आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ, उनके निधन की खबर से अवाक हूँ। वो हमेशा मेरे बेहद करीब रहीं, शुरुआती दिनों से ही वो मेरा ख्याल रखती थी। उनके परिवार और पूरे देश की हुई महान क्षति पर मेरी संवेदनाएं सबके साथ हैं। इनके अलावा अनुष्का शर्मा, अनुराग कश्यप तक ने ट्वीट कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इतना ही नहीं, भारत की नागरिकता पा चुके मशहूर पाकिस्तानी सिंगर अदनान स्वामी ने भी एक बेहद भावुक करने वाला मैसेज लिखते हुए सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया है। बता दें कि 1 जनवरी 2016 से वे भारतीय नागरिक हो गए हैं और भारतीय नागरिकता को हासिल करने के पीछे सुषमा स्वराज की अहम भूमिका थी। अदनान भारत में विजिटर वीजा पर रहते थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के वक्त ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। बाद में सुषमा स्वराज की भूमिका के चलते अदनान को भारत की नागरिकता मिल गई थी, इसलिए अदनान सुषमा स्वराज से काफ़ी क्लोज थे और जब अदनान ने उनके निधन की खबर सुनी तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। अदनान ने अपने परिवार के साथ कुछ बेहद भावुक पलों की तस्वीरें शेयर कर अपना मैसेज लिखा। अदनान लिखते हैं, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से अवाक हैं, इस बड़ी अनहोनी के बारे में अभी पता चला। सुषमा जी हमारे लिए माँ समान थी, उनके लिए मन में अपार सम्मान और आदर है। वह एक बेहद प्यारी, सबका ध्यान रखने वाली और नेक दिल इंसान थी। हम उन्हें बहुत याद करेंगे। सुषमा स्वराज 67 की उम्र में निधन हो गया, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सुषमा स्वराज ने हमारे देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में उनके काम की तारीफ होती थी। उनके निधन पर हर कोई सर झुकाए उनको नमन कर रहा है और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांग रहा है। सुरों की महारानी और देश की नाइटिंगेल कहलाई जाने वाली लता मंगेशकर ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर आहत हूँ। वह एक ईमानदार नेत्री थी, वह एक संवेदनशील और संगीत को समझने वाली नेता थी। इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल ने कहा, सुषमा स्वराज जी को मेरी श्रद्धांजलि, वह हमारे देश की सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक थी, वो हमारे लिए खास थी, हम उन्हें याद करेंगे, मैं उनके परिवार और मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ ही अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने कहा, उनको लेकर सभी महिलाएं हमेशा गर्व करेंगी। इन सभी ट्वीट से पता चलता है कि सुषमा स्वराज ने न केवल राजनीति में बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत नाम और इज्जत कमाई है, तभी पूरा देश उनके निधन पर सदमे में है। भले ही वो हमें आज छोड़ के चली गई हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।